प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ हम लोगों का कल्याण कैसे होगा, इस विषय पर कुछ कहिए। माँ, अपने को जानने का प्रयत्न करना ही मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य है। अपने को जानना माने भगवान को जानना, और भगवान को जानना माने अपने को जानना। जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक दुख दूर नहीं होता। भगवान को पाने के लिए केवल उनका जप, उनका ध्यान, उनकी पूजा, उनके नाम का कीर्तन, इसके अलावा कल्याण का और कोई मार्ग नहीं है। सत्संग, सद्ग्रंथ का पाठ करना इस मार्ग के लिए अनुकूल है। और यह शरीर तो हर वक्त प्रायः एक ही बात कहता है, विषय माने विष, विषय भोग में धीरे धीरे मृत्यु, जिसे स्लो पॉइजन कहते हो। और यह रिटर्न टिकट खरीदकर लौट आने का इंतजाम करने के बराबर है। इसलिए यह शरीर हर वक्त कहता है, उन्हें लेकर जितनी देर रह सको प्रयत्न करो, समय गुजरता चला जा रहा है। प्रश्न करता, मां भगवान अगर सर्वशक्तिमान है तो इस जगत में इतना दुख और अशांति क्यों है? वे तो अपनी इच्छा मात्र से इसे दूर कर सकते हैं। मां, इस जगत की सृष्टि भगवान ने किसी से परामर्श करके नहीं की है। अगर वे जगत को दूसरे ढंग से बनाते तब तुम लोगों का दूसरा प्रश्न बना होता। अगर ठीक से समझ लिया जाए कि वे मंगलमय सर्वशक्तिमान हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न मन में नहीं हो सकते। प्रश्न करता, मां सरकारी कामों में नियुक्त रहने पर साधन भजन करने का समय कहां मिलता है? मां, असली सरकार के नौकर बनो, उसी मूल सरकार से ही यह सरकार है। जिस प्रकार ध्यान लगाकर सरकारी काम नियमित रूप से करते हो, उसी प्रकार भगवान की ओर ध्यान लगाना उचित है। सेवा बुद्धि से अगर गृहस्थी चलाई जाए तब बंधन का कारण नहीं होता, लक्ष्य वही रहते हैं। पर उस सेवा बुद्धि में स्थिर रहने के लिए जैसे तुम लोग घड़ी में एक बार चाबी देते हो, सवेरे शाम एक बार इसकी भी चाबी दिया करो। अर्थात कुछ देर स्थिर भाव से बैठकर उनका जप ध्यान किया करो। मां उपदेश दे रही हैं, यद्यपि पहले से सब निर्धारित है फिर भी शक्तिशाली पुरुष होने पर उसे बदल सकता है। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाए हो, एक मुहूर्त भी बेकार मत जाने दो। पेड़ पौधे पशु पक्षी कुछ दिनों तक जीवित रहकर पुनः नए पेड़ पौधे पशु पक्षी सृष्टि कर जगत से विदा लेते हैं। अगर तुम लोग भी सिर्फ यही करोगे तो प्रभेद क्या रहेगा? रिटर्न टिकट ना कटवाना पड़े इसके लिए प्रयत्न करो। कुछ की चाह रखने पर सुख, उसका अभाव होने पर दुख। जगत में सब कुछ क्षण भंगुर है। यह जो सुख है वह अभी है, अभी नहीं। नित्य सुख, अनंत सुख पाने के लिए नित्य वस्तु को प्राप्त करना होगा। सप्ताह में एक दिन या दो दिन, अगर यह ना हो सके तो कम से कम महीने में एक दिन संयम भाव में जीवन यापन करने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें लेकर रहने का प्रयत्न करो, समय बेकार ना चला जाए। महापुरुष साधु संत कब किस रूप में रहते हैं तथा किस कारण से क्या करते हैं, यह सब तुम लोग नहीं जान सकते। इसलिए तुम लोग उन लोगों के संबंध में बेकार की चर्चा मत किया करो। किसी के बारे में या किसी प्रतिष्ठान के संबंध में समालोचना मत करो। जो तुम लोगों के गुरु हैं वे ही जगत के गुरु हैं, और जगत के गुरु जो हैं वही तुम लोगों के गुरु हैं। उनका अनंत प्रकाश है, अनंत रूप है, अनंत अप्रकाश।
गुरु इष्ट मंत्र रूप में वही तो, जहां मन प्राण वही विश्वव्यापक आत्मा ही तो, निज को लेकर निज में स्वयं ही तो, उस स्वरूप के प्रकाश के लिए ही इस धरा पर नाना धाराएं हैं। इधर धरा स्वयं को स्वयं धरे हुए है, फिर धरा अधरा का प्रश्न ही नहीं है, वही प्रकाश चाहिए तो। साधु संत महापुरुष कहते हैं कि किसी भी महापुरुष की क्रिया में कोई विचार का क्षेत्र ग्रहण मत करो, जो कहते हैं उसे ग्रहण करो, उनके बारे में गलत आलोचना करने से तुम लोगों से अपराध हो जाता है, क्षति का क्षेत्र। जिसके संबंध में जिस तरह की समालोचना करते हो वह तो तुम्हारे अपने ही हैं। जब तक अपना स्वरूप प्रकट ना हो तब तक अपनी आत्मा सभी में भगवान यह भाव रखने की चेष्टा करो, श्रेय ग्रहण प्रिय त्याग। एक इष्ट समूह ही तो विश्व ब्रह्मांडमय है। जो लोग सत्य लाभ के लिए बाहर निकल सके हैं वे लोग साधु संतों के सत्यानुसंधान क्रिया को सर्वदा अपने अपने इष्ट गुरु का नाना प्रकाश है इस बुद्धि से ग्रहण करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। सब एक ही के एक ही दो से द्वंद। तुम सब खूब मन लगाकर साधन भजन में जुट जाओ। समय गुजरता जा रहा है, मंत्र का साधन या शरीर का पतन। तुम लोग जब भोग का क्षेत्र छोड़कर यहां हो तब साधन भजन के क्षेत्र में जुट जाना चाहिए। जितनी शक्ति तुम में है उसका उधर ही प्रयोग करो। मां मृत आत्मा के संबंध में कह रही हैं, मृत आत्मा के लिए रोना धोना करने से कभी कभी उसका अकल्याण भी होता है, इसलिए धीर स्थिर रूप से आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना कर्तव्य। वे ही देते हैं फिर वापस भी ले लेते हैं, मनुष्य क्या कर सकता है। श्राद्ध के साथ मृत व्यक्ति के नाम पर जब कोई भी वस्तु अर्पण किया जाता है तो उससे मृत आत्मा को तृप्ति होता है। आजकल अधिकतर लोग कहते हैं कि श्राद्ध करने से क्या लाभ है, मृत व्यक्ति उसे कैसे भोग सकता है, किंतु इस तरह की अनेक सत्य घटनाएं हैं जिस पर तुम विश्वास करने के लिए बाध्य हो सकते हो, अतएव किसी बात को हंसकर नहीं उड़ाना चाहिए। बीज से बीज का नाश करना चाहिए, अर्थात बीज मंत्र जपते जपते कर्म का बीज नष्ट हो जाता है तब फिर सृष्टि नहीं होती। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।